गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फ्रैक्शंस. कंपेयर का मतलब ये होता है कि इन दोनों में कंपेयर करके बताना है कि विच वन इज बिगर. ओके, इस देर आर फोर क्वेश्चन, बस इसमें से मैं टू ही कराऊंगी बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल. तो दैट इज द मेन रीजन कि मैं इसमें टू क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी के टू आप लोग खुद करोगे. ओके, तो लुक एट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट और फोर्थ मैं करा रही हूँ, बाकी आपको खुद को करना रहेगा. ओके, सो अंडरस्टैंड केयरफुली. 4, 5/8. ओके, यहाँ 7/12, ये एज इट इज लिखो. एंड को हटा दो, एंड अभी हटा दो. 5/8 एज इट इज, 7/12 एज इट इज, इट्स ओके. नाउ वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसको कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मतलब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का? मतलब इस फर्स्ट वाला जो है फ्रैक्शन और सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर से हमें मल्टीप्लाई, यानी सेकेंड वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. एरो को ध्यान से देखो, यानी इसका डिनोमिनेटर किसके न्यूमरेटर के पास जा रहा है? इसके पास जा रहा है. और इसका डिनोमिनेटर किसके न्यूमरेटर के पास जा रहा है? फर्स्ट वाले के पास, है ना. तो ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने क्रॉस का बनाया ना, ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है. यानी देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे 5, दिख रहा है बेटा 5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 12 से. तो 12, ओके. नाउ वापस हमें एंड लगाना है. अब 7 ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, जो ऊपर डिजिट है ना, यानी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर फर्स्ट में लिखेंगे. हमेशा याद रहना है, देखो न्यूमरेटर पहले लिखना है हमें और डिनोमिनेटर को नीचे. 8, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से. यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 12, 5 60 एंड 7, 8 56. ओके, अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बिगर है बेटा? 60 बड़ा होता है या 56 बड़ा होता है? आप बताओ मुझे, दोनों में से बड़ा क्या होगा? 60, है ना. तो हम किसकी तरफ ग्रेटर का साइन लगाएंगे? 60 की तरफ. और 56, ये तो आपने छोटी क्लास में कर रखा है ना, 60 बड़ा है. अब 60 कौन सा है? ये है ना 5/8. और ये किसका है? 7/12 सेकेंड वाले का. तो कौन सा बड़ा हुआ? ये नंबर. दिस इज अवर आंसर. बस अगर जिसको समझ में नहीं आया वो वापस से सेकेंड वाला क्लियर कर लो. सेम 5/12, ओके, 7/8 ऐसे लिख लिया. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर फर्स्ट में लिखेंगे इनटू 8. 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 8 से. वे नाउ नेक्स्ट 12 को, नहीं 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 12 से. ओके, 5, 8 40. ओके, नाउ 12, 7 आता है 12 के टेबल 84. नहीं आता वो मल्टीप्लाई कर लेना आप. कुछ बच्चों को मुझे पता है 12 की टेबल नहीं आती है. आया समझ में? आ गया 84. विच वन इज बिगर? कौन बताएगा, 40 बड़ा है या 84? 84, वेरी गुड. तो अपन 84 की तरफ ओपन करेंगे, है ना. अब 84 कौन सा है? 7/8 का है ना. ये देखो, तो एज इट इज लिखेंगे 5/12 एंड 7/8 तो इसकी तरफ. और दिस इज अवर आंसर. हमारा कंपेयर वाला क्वेश्चन फर्स्ट हो गया. आगे के दो क्वेश्चंस भी आपको खुद करना है. ठीक है,